नमस्कार, देख रहे हैं जनसत्ता.com। मुंबई के उरण इलाके में कुछ हथियारबंद लोगों को देखे जाने के बाद से ही नेवी और तटरक्षक बल को अलर्ट कर दिया गया है। इन लोगों को दो स्कूली बच्चों ने सुबह स्कूल जाते वक्त देखा। बच्चों ने बताया कि उन्होंने पांच संदिग्ध लोगों को काले रंग की यूनिफॉर्म पहने और कंधे पर बड़े बड़े हथियार लाद रखे नेवी बेस के पास देखा था। छात्रों ने इसकी सूचना पहले प्रिंसिपल को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। सूत्रों के मुताबिक छात्रों ने बताया कि वे लोग जो बात कर रहे थे उसमें से वे सिर्फ ONGC और स्कूल शब्द ही सुन सके। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। नवी मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने बताया कि स्कूली बच्चों से पूछताछ की जा रही है। अलर्ट घोषित करने की दो वजह थी। पहली ये कि बच्चों ने जहां उन संदिग्ध लोगों को देखा उसके पास गोला बारूद का डिपो है, और दूसरी ये कि INS अभिमन्यु भी उस स्थान से करीब है। इसके अलावा यह जगह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और भाभा एटॉमिक सेंटर के पास है। उड़ान मुंबई से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां 2008 में हुए आतंकी हमले में समुद्र के रास्ते से आए 10 आतंकियों ने 166 लोगों को मारा था। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।